हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अदर ब्लॉग। गाइस गाइस, आज आपको हम ले चलते हैं। आज का वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं SSGD का जो सेंटर TCS आयोनॉन डिजिटल सेंटर तुपुदाना है, वहां पर आपको ले चलते हैं गाइस। सो गाइस, बस पहुंचने वाले हैं और ये हम पहुंच गए चुके हैं गाइस। देख सकते हैं कितने भारी संख्या में स्टूडेंट लोग अपियरिंग हुए हैं SSGD के लिए। और क्यों ना हो, यही तो देश का सबसे बड़ा आपका पोस्ट है, जो बहुत भारी संख्या में ये पोस्ट निकलता है और बहुत अच्छा खासा ये जॉब है। बिकॉज इस जॉब में इतना बेहतरीन सुविधा और इतना अच्छा सैलरी से लेके सारी सुविधाएं बहुत अच्छी तरह है। और देख सकते हैं स्टूडेंट लोग कितने सारे बहुत ही खुश हैं और सभी कोई लाइन में लगे हुए हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, इस बार देखने को मिला है कि लड़कियाँ भी बहुत भारी संख्या में इस जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं, चलिए आपको लेके। और गाइस आपको बता दें कि आयोन डिजिटल सेंटर तुपुदाना में भारी संख्या में लोग यहाँ पे हमेशा लोगों को बैग रखने का 20 रुपया। हाँ, टोकन। इधर होटल खाने वाने का व्यवस्था है पूरा। सो गाइज, आपको अभी दिखा सकते हैं कि देखिए, आप अभी एग्ज़ाम दे के बच्चे लोग निकल रहे हैं, जितने भी सारे SSGD के तैयारी करके देने वाले एग्ज़ाम सभी स्टूडेंट निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत से चेहरों में फेस में पूरा खुशी का माहौल है और बहुत से चेहरों में चिंता है कि एग्ज़ाम कैसा गया है, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड तो था नहीं। और ये SSGD का एग्ज़ाम जितने भी डिफेंस लाइन में होते हैं सबसे कम हार्ड होता है, और आप समझ सकते हैं कि सबसे आसान होता है ये एग्ज़ाम। 10th लेवल का होता है और बहुत ही कम कंपटीशन होता है इसमें गाइस। सो आपको बता दें कि इस SSC एग्ज़ाम में SSGD का एग्ज़ाम बहुत ही सब बोले जाए तो सबसे सस्ता और ज़्यादा मेहनत नहीं होने पड़ता है इसमें। सो गाइस, इसमें आपको एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, उसके बाद फिजिकल है नॉर्मल सा। लड़कों के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, लड़कियों को 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है। उसके बाद मेडिकल है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है आराम से। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट अपियरिंग हुए हैं इसके लिए और अभी एग्ज़ाम दे के जा रहे हैं। सो गाइस, SSGD बहुत ही अच्छा, खास करके डिफेंस लाइन में बहुत ही अच्छा है। और गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट लोग अभी सेकंड शिफ्ट के लिए एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। और इसके बाद इनका एंट्री होगा, उसके बाद वहाँ पे आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और इसके बाद आपका बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट लोग अब देख सकते हैं, खास करके लड़कियाँ भी कम नहीं हैं और साथ में उनके एक पेरेंट्स भी इस वैकेंसी को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अब देख सकते हैं एक लड़की ने एडमिट कार्ड अपना भूल रखा था, उनके पिताजी कितना केयर है उनको। वो देखिए एडमिट कार्ड निकाल लिए है और एडमिट कार्ड के साथ आइडेंटिटी एक जरूरी है जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। और ये TCS आयोन डिजिटल जॉन 3 ITI तुपुदाना, जो सेंटर बहुत अच्छा है। देख सकते हैं यहाँ पे हो सकता है रूम रेंट 150, रेस्ट 100, फोटो एडमिट कार्ड आधार कार्ड निकालना, हाँ निकाल सकते हैं आप फोटो, सब निकल जाता है। अच्छा वाह, बैटरी भी रखा है भाई, फोटो निकाल देगा। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके। एग्जाम के चलते वीडियो नहीं आ रहा था।